नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग के न्यू गेम वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल के आई रोहित भाई की तरफ से। दोस्तों आपको लास्ट तक वीडियो देखना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो आई है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था कि इस गेम के अंदर मल्टीप्लेयर ऐड होने चाहिए, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। तो उसी के बारे में रोहित भाई से यहाँ पर चैट हो चुकी है और उन्होंने बताया है। ये रंडी रोना बंद कर दो। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। देखो दोस्तों, आप लोग ये कह रहे थे कि हम अपनी माल के साथ इस गेम में खेलना चाहते हैं क्योंकि आप लोग अकेले खेलते तो आपका मन भर जाता है। समझ रहे हो आप? तो काफी ज्यादा कमेंट कहा था कि हम अपनी सेटिंग के साथ इस गेम के अंदर गेम खेल सकते हैं साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिमलिस ने रोहित गेमिंग स्टूडियो से क्या पूछा था, सर क्या इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में कभी मल्टीप्लेयर मोड लाने का सोचा है आपने या फिर एक ऑफलाइन गेम ही होगा? मतलब ये जो गेम है इसको ऑनलाइन बनाओगे या ऑफलाइन ही होगा? उसके बाद कहा ये काफ़ी लोगों ने पूछा कमेंट में और मुझे भी पूछा था आपसे, सो प्लीज रिप्लाई। तो उसके बाद यहाँ पर रोहित भाई ने क्या कहा कि मल्टीप्लेयर गेम के लिए सर्वर परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कोई ऑनलाइन गेम होता तो उसका एक सर्वर होता है जो खरीदना पड़ता है, वो खरीदना पड़ता है $370 या ओनली फॉर 2000 एक्टिव यूजर। इनके कहने का मतलब अगर ये इस गेम को ऑनलाइन कर देंगे तो इसमें केवल 2000 एक्टिव यूजर हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों आजकल आप लोग एक हैं गर्लफ्रेंड अड्डा हैं तो आपकी सारी गर्लफ्रेंड नहीं खेल सकती, तो इसलिए इस गेम में ये सिस्टम नहीं होगा। और दोस्तों $370 करीब करीब इंडियन रुपीज में होता है यहाँ पर 30,000 रुपये के आसपास, 30,000 से ज़्यादा ही होता 35,000। तो बजट की कोई बात नहीं, बजट तो है लेकिन दोस्तों आप लोग अपनी सेटिंग के साथ खेल नहीं पाएंगे। और यहाँ भी नीचे लिखा जितने ज़्यादा एक्टिव यूजर होंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा। क्या बात है सर। तो आप सभी के ऊपर ये है कि आप लोग अपनी सेटिंग के साथ खेलना चाहना पसंद करेंगे या फिर अकेले ही खेलेंगे, क्योंकि भाई देखो जब ये ऑनलाइन हो जाएगा तो इसमें ज़्यादा लोग नहीं खेल सकते। और दोस्तों इसके एक्टिव यूजर 10 मिलियन है, 10 मिलियन लोग ने इस गेम को डाउनलोड किया है, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी से यही कमेंट में पूछना है कि आप लोग इसमें कमेंट करना चाहते हैं, मतलब ये ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि इस गेम में ये ऑनलाइन होना चाहिए कि ऑफलाइन होना चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। देखो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यूजर्स ज़्यादा हैं तो देखते क्या होता, लेकिन अभी तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन आई है। अगर रोहित भाई की तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप सभी को वीडियो बना के बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।